हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज फॉर बेटिंग वीडियो एडिटिंग। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे फाइनल आउटपुट टाइमलाइन से किस प्रकार एक्सपोर्ट किया जाता है या फाइनल मूवी टाइमलाइन से किस प्रकार बनाई जाती है। कि जब आप एक किसी चीज को आपने एडिट कर लिया, यहाँ गाना लगा लिए, म्यूजिक लगा लिए, साउंड सारा लगा लिए, फिर यहाँ पर हम लोग इन पॉइंट देते हैं और आउट पॉइंट देते हैं। आप इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और फाइल में जाते हैं और यहाँ पर आपके सामने होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में यदि आप मूवी बनाना चाहते हैं, ये टेप पे लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये टाइम कोड डिस्प्ले के साथ यूज करना चाहते हैं, टाइम कोड ये जो दिख रहा है ना, ये टाइम कोड होता है। टाइम कोड बदलना भी बताते हैं। प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करने के बाद, प्रिंट टू फाइल का मतलब ये है कि आप एडिट किए गए सीक्वेंस को एक फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं और उसको किसी एक फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, उसकी एक मूवी बना रहे हैं, दैट इज द एक्सपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ से आपके सामने पैनल में बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई पड़ते हैं, आप उसको किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं। जनरली लोग एमपेग में बनाते हैं। आपने एमपेग में बनाया कभी? किस में बनाया आपने? मैं तो दबाता गया जहाँ पे मेरे को। आपने जब काम शुरू किया तो आपने कहीं देखा नहीं कहाँ क्या दबाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आपने सीखा ही नहीं। इट मीन सबसे गड़बड़ क्या होता है कि लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है दबाएं क्या। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम एमपेग में दबाते हैं। चलो स्ट्रीम यही ले लेते हैं और इसको हम अब यहाँ पर ऑप्शन आपको और दिखाई पड़ते हैं। एक्सपोर्ट बिटवीन इन और आउट पॉइंट, केवल हमको इन और आउट पॉइंट चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप कन्वर्जन चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्प्ले टाइम कोड, टाइम कोड डिस्प्ले, ये टाइम कोड चाहते हैं उसके ऊपर तो होना चाहिए तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ एमपेग सेलेक्ट कर लिया, यहाँ ये सेलेक्ट कर लिया और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपकी होता है कि आप इसका नाम दीजिए। ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट आप डिसाइड करते हैं, लीनियर पीसीएम लेना है, डॉल्बी डिजिटल लेना है, एमपेग वन ये ले लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं नाम इसका, एकता एडिट। ठीक है। अब यहाँ लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं, अब लोकेशन यहाँ से चूज कर लीजिए। हम चाहते हैं माई बुक और हमने किया था न्यू फोल्डर टू में, एकता एडिटिंग क्लिक करें। यहाँ देखिए वो लोकेशन आ जाएगी और किस नाम से फाइल बनेगी ये यहाँ पर लिख के आएगा, M2B, और ओके कर दीजिए। ये आपकी ये एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई। अब जो ये मूवी बनेगी इसको आप DVD में आप राइट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप DVD में राइट नहीं कर सकते। DVD में तो फाइनल आउटपुट मूवी ही राइट होगी ना, टाइमलाइन प्रोजेक्ट राइट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट थोड़ी प्ले हो जाएगा, प्रोजेक्ट तो केवल आपको देखने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, मैं पेन ड्राइव में डालना हो तो भी एमपेग में डालेगा या एमपेग ही बनेगा? यहाँ पर देखिए ये मूवी बन गई, अब इसको आप प्ले कर लीजिए। हो गए। आजकल ज्यादा ना लोग पेन ड्राइव में देते हैं क्योंकि DVD लोगों के खराब होते हैं तो हमारे पैसे रुक जाते हैं। उनकी DVD खराब होती है किंतु हम चाहते हैं कि वो लगाए अपने पेन ड्राइव स्लॉट में और देख के वो पेन ड्राइव बन जाएगी। अब इसको चाहे जहाँ कॉपी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पेन ड्राइव में कर लो, सीन राइट कर लो, मेल कर दो, जो करना करो उससे क्यों करो। ये अब ये फाइल इंडिविजुअल बन गई, अलग एकदम अलग फाइल बन गई, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। तो ये होता है एक्सपोर्ट। आप देख रहे हैं मंत्रा ट्यूटोरियल्स। प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल फॉर न्यू ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।